हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे YouTube का जो वीडियो होता है उसको हम लोग अपने मोबाइल में या अपने PC लैपटॉप या डेस्कटॉप सिस्टम में कैसे डाउनलोड करेंगे। क्योंकि YouTube का जो वीडियो होता है उसको हम लोग डायरेक्ट ना ही शेयर कर सकते हैं, वीडियो को WhatsApp के माध्यम से, ना ही किसी को हम सेंड कर सकते हैं। YouTube का वीडियो को अगर हम शेयर करते हैं या सेंड करते हैं तो उसका लिंक शेयर होता है या सेंड होता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उस वीडियो को हम डाउनलोड करके हम अपने मोबाइल में लाएं और जब चाहे जब उस वीडियो को हम देखें या उस वीडियो को कहीं हम सेंड कर सकें। तो YouTube का वीडियो को कैसे डाउनलोड करेंगे, आइए हम लोग इसको सीखते हैं इस वीडियो में। गूगल क्रोम में यहाँ पे आपको लिखना है सेव फ्रॉम नेट, सेव फ्रॉम नेट लेकर के आपको एंटर की को प्रेस करना है। तो यहाँ ढेर सारा आपको लिस्ट दिख जाएगा, इसमें से फर्स्ट वाले जो लिंक का लिस्ट है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव फ्रॉम नेट का जो होम पेज है आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको जिस वीडियो को डाउनलोड करना है उस वीडियो का लिंक को आपको कॉपी करना होगा। तो YouTube वीडियो हमारे पास, देखिए यहाँ पर एक YouTube वीडियो हम लिए हुए हैं, इसका लिंक को कॉपी करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर शेयर पे क्लिक कर लेना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको लिंक यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए यहाँ पे लिंक दिख रहा है और इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसको आप बंद कर दें और फिर से आप आ जाइए उस साइट पर और यहाँ जो बॉक्स आपको दिख रहा है इस बॉक्स में उस लिंक को आप पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो ये आपको वीडियो यहाँ पर दिखने लगेगा। बस आप सिर्फ यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करें, यहाँ डाउनलोड बटन पे क्लिक करें। डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद आप वेट करें। वेट करने पर देखिए यहाँ पर एक विज्ञापन आ जाएगा, इस पर आप ध्यान ना देंगे, इसको आप बंद कर दें यहाँ से और आपका जो मेन डाउनलोडिंग फाइल जो है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शॉर्ट कम्प्यूटर। यहाँ से आप इसको आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करें। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद अब कुछ मिनट या कुछ सेकेंड वेट करें। वेट करने पर देखिएगा कि आपका वीडियो जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड होकर के ये डाउनलोड फोल्डर में चला जाता है, वहाँ से आप इस वीडियो को खोल करके देख सकते हैं या फिर किसी को WhatsApp पे सेंड कर सकते हैं या फिर आपका जो भी यूज़ है उसे आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।